सो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग हैं एक और पुरानी वीडियो के साथ तो भाई आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं अपना साथ इसका है लोग तो आज की वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई साथ का आपको पता ही होगा मतलब न्यू मिनियंस वगैरह भी आई थिंक ऐड हुए हैं उसका मुझे कन्फर्म नहीं पता लेकिन हाँ न्यू और जनरेटर वगैरह सब कुछ ऐड हुए हैं वो सब दिखाऊँगा ईजी रेसिपी वगैरह सारी इंफॉर्मेशन की जगह एक ऐड कर दी गई है प्रॉपर वो सब कुछ दिखाऊँगा और भाई साथ के गि वगैरह भी चल रहे हैं मेरा डिस्कॉर्ड पे तो उसको भी ज्वाइन कर लेना और साथ का भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना वहाँ पे भी भाई रैंक वगैरह और कॉइन्स वगैरह के गीवे होते रहते हैं डेली सो so, आप इंटर कर सको इसलिए दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में बिना किसी देरी के जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो और इस वाली वीडियो में भी हम साथ के ना कॉइन्स का गिव अवे करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और भाई मेरे को ऑनर रैंक भी मिल चुकी है इसमें सो उसमें भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है सो ये सारी बातें छोड़ देते हैं और सीधा हम अपना ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं कौन सा क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ आप लोग पूछोगे ज़रूर तो दिक्कत वाली बात नहीं है इसका भी मैं डाउनलोड लिंक दे दूँगा अपने डिस्काउट पर सो वहाँ से आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हो तो मतलब देख रहो इससे सारी चीज़ें ना एकदम ईजी है सब कुछ हमें दिख जाएगा मतलब ये हमारी यू मतलब देख रहो मतलब जो कंट्रोल वगैरह सब चीज़ें हम हाइट वगैरह भी कर सकते हैं और ईजी थर्ड परसेंट और फर्स्ट परसेंट वगैरह इजीली हम कर सकते हैं मतलब ओपी वाला सीन है और ये देख रहे हो म्यूट चैट्स वगैरह मतलब ऑफिस सीन है और भाई यहाँ पे मैंने जस्ट मैसेज किया था कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि अपने को भाई ऑनर रैंक मिल चुकी है तो लेकिन लिटरली यकीन मानो मुझे भाई ऑनर रेंग का मुझे कुछ भी नहीं पता कुछ भी यूज़ करना नहीं आती सो हाँ मतलब ऑनर रेंग होते हुए भी मेरे को भाई ये नहीं पता ब्लॉक्स बिल्डर वर्ड मतलब बिल्डर किधर है किधर कौन सी शो है लिटरली किसी चीज़ की नॉलेज नहीं लेकिन कोई ना ऑनर रैंक का भरम पड़ेगा तो चलो अपना वीडियो पे हैं तो वैसे भी हम और यहाँ पे भाई मेरा मिनियन था पता नहीं मुझे कहाँ गया कहाँ नहीं तो भाई देखो आज तो हम देना अपना आइलैंड भी पूरा क्लियर करना है ठीक है मतलब अपना आइलैंड का ना ये जो एरिया होता है हम इसको एक बनाएंगे प्रॉपर मतलब ये अपनी जगह होगी लाइक यहाँ पे हम एक भी मिनियन वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे मतलब इस एरिए को ना, हम नॉर्मल लगाएंगे फिर ऐसे करके ना हम फिर एक ब्रिज बनाएंगे छोटा सा दूर करके लाइक उस तरफ ना हम एक रखेंगे अपना मिनियन का एरिया ब्रिज को दूर बना के और एक साइड से हम निकाल देंगे लाइक देखो तीन एरिया है ना ऐसे और एक तो पोर्टल के पीछे का उसको नहीं हम देखते मतलब इधर के हम ना तीन देखते तो देखो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड और एक पीछे के साइड पर ना सो हम तीनों के ना एक अलग अलग ब्रिज बनाएंगे जैसे एक साइड पर हम रखेंगे अपना मिनियंस का एरिया जहाँ पे मिनियंस और जो और जनरेटर वगैरह वो सारी चीज़ें हम ना बिल्ड वगैरह करेंगे ठीक है और अपना जो सेकंड वाली जगह होगी सो एक तरफ़ हम रखेंगे अपना मतलब हाउस वगैरह बनाना है हमें स्टोरेज रूम वगैरह और भी चीज़ें और एक तरफ अलग से हम न सीन करेंगे मतलब ओपी करके ना इस बार हमने अपने आइलैंड को सजाना है क्योंकि भाई पिछली बार भी मैंने सजाया था लेकिन फिर साथ में थोड़े इशूज़ वगैरह आ गए थे लेकिन अब तो पूरा डन हो चुका है साथ तो अब ऐसा कोई इशू विशू नहीं आएगा सो दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ तो भाई सॉरी बाकी यहाँ पे तीन मिनट में आई थिंक अपना सामान डिस्पोन हो जाता है भाई उसके बाद मैं बाजार पर ऐसा ठीक है और बाज़ार भी अब इन्होंने अलग कर दिया लाइक पहले सेल वग़ैरह का ऑप्शन था लेकिन अब अलग तरीके से कर दिया जो कि और भी ज़्यादा ओपी हो गया तो यहाँ भाई मैं सेल आइटम में क्या मैंने भाई गलती से अपनी पूरी इन्वेंट्री सेल कर दी मेरी जो ओपी वाली भाई पिक एक्स एक्स वगैरह थी वो सब चले गई लिटरली मतलब उसमें ना एफिशिएंसी ज़्यादा थी कुछ जिससे बहुत ज़्यादा स्पीड से ना मतलब बिलोक तोड़ पा रहे थे लेकिन भाई अब वो सारी चीज़ें सेल हो गई और उससे मिले भी इतने वन के मतलब देख रहे हो वन के मैं क्या करूँगा भाई वन के का और अगर मैं आपको पैसे दिखाऊँ तो भाई अपने पे हैं लिटरली पूरे के पूरे हंड्रेड मिलियन कोइंस चूँकि ठीक ठाक है इतने ज़्यादा भी नहीं है इतने कम भी नहीं है और अगर हम रैंकिंग में देखें तो भाई वन नंबर पे कोइंस की रैंकिंग में सो so, हाँ और भी ज़्यादा ऊपर आ जाएंगे बिलियनों में कॉइन ले लेंगे दिक्कत वाली बात नहीं है यार शान भाई अपने बंदे तो पैसा ही पैसा है तो टेंशन नहीं लेनी और ये भाई कार्ड वार्ड करें इनको छोड़ो और ये जगह दिखाऊँ तो लाइक के यहाँ पे भाई किसी बंदे का सारा सामान में बंदा मैंने कहा चलो मुफ्ते का माल उठा लो सेल कर देंगे तीन सौ चार सौ रुपये तो मिल ही जाएंगे तो यहाँ से मैंने अगेन से ना भाई फ्री वाली किट वग़ैरह वा ले ली थी लाइक ये फ्री किट में गया था मैं अपना और ये मंथली किट थी मतलब ये भी इन्होंने आई थिंक नई किट वग़ैरह ऐड की क्योंकि पहले हमें ना दूसरी किट देखने को मिल रही थी आपको याद हो तो जिसमें हेड वग़ैरह मिले थे हमें जोम्बी वोम्बी के सो अब ऐसा सीन नहीं है मतलब अब अलग तरीके की किट कर दी डेली और अपना मंथली किट के हिसाब से और रैंक वाली किट अलग है अगर आप पे रैंक होएगी तो अब वो वाली किट भी कलेक्ट कर सकते हो ईजी पीजी और ये तो आपको बताइए अपना शॉप जो थी सो भाई अपनी शॉप थी भाई मैं ब्लॉक वाले बंदे को ढूंढ रहा था मतलब बिल्डर को मैं भूल गया था भाई स्लैश हम बिल्डर लिखेंगे तो बिल्डर शॉप ओपन हो जाएगी हमें भाई हमारे एस टू भैया तो ने बताया था मैंने मैसेज में पूछा तो एस टू भाई तब अपने उन्होंने बताया था कि हाँ भाई ऐसे करो ऐसे तो बिल्डर ओपन हो जाएगा सो फिर हमने वैसे ही किया पहले तो भाई मैंने पूरा लिटरली ढूंढा मतलब देख रहे हो फार्मर था मतलब मैं हर एक कोने में गया भाई बिल्डर ढूंढने मुझे लिटरली बिल्डर नहीं मिल रहा था सो so, भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा था बिल्डर है कहाँ, क्योंकि भाई मुझे ना देखो स्टोन ब्रिक्स और कॉर्ड्स ब्लॉक चाहिए थे क्योंकि भाई हमने अपने आईलैंड को कॉर्ड्स ब्लॉक और इस्टोन ब्रिक्स या फिर सीलैंड इन तीन में से एक चीज़ से ना अपना आ, मतलब अपना जो इस्पोन वाला एरिया है ना लाइक जहाँ पे हम आते हैं नॉर्मल सा इस्पॉन होते उस एरिए को हम अलग से रखेंगे जैसा अभी मैंने बताया आपको तीन टाइप की हम जगह बनाएंगे और ये भाई थी इस्पोनर शॉप वगैरह लेकिन ये भी वही तो और देख रहा हूँ ये स्पोनर भाई कितने महंगे महंगे सो so इसको अभी के लिए रहने देते हैं अभी यहाँ से निकलते हैं भैया जी और ये अपना भाई ग्रैप वग़ैरह थी मतलब ये जगह तो वैसी ही मतलब ये जो हब वब सेम हाई पिक्सल जैसा ये बस थोड़ा बहुत चेंज है मतलब ओल्ड हाई पिक्सल का हब है आई थिंक सो मुझे कन्फर्म नहीं पता शायद से सो so हाँ और ये भाई ये ऑक वॉक्स वगैरह था उसको छोड़ दो सो so भाई ये ये जगह बिल्ड हो रही थी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ना देख रहा हूँ यहाँ पे सारी रेसिपी दिखा दी गई है भाई कैसे क्या चीज़ बनेगी अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको नाम के साथ साथ कि कौन सी क्या चीज़ है ओके ये देखो ये रेड स्टोन और जनरेटर है और अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से सो ये आ गया आपका दूसरा वाला जनरेटर और आपका ये आ गया एक और डायमंड वाला लाइक ऐसे करके सारे जनरेटर हैं यहाँ पे ये देखो ये भी आ गया ये आ गया जनरेटर एंड ये वाला भी आ गया मतलब हर तरह की रेसिपी दी हुई है सिंपल है और इधर आप आ भी सकते हो ईज़िली सब कुछ क्योंकि इसका एन पी सी शायद से एड हुआ है क्या हुआ है क्या नहीं वो अभी आगे आपको देख जाएगा लाइक यहाँ आप सीधा हब भी जा सकते हो तो ये वो मतलब न्यू एरिया ऐड कर दिया हाँ तो भाई सॉरी एकदम ही वॉइस कट गई होगी सो मैं कह रहा था भाई न्यू एरिया इन्होंने ऐड कर दिया जो कि फुल ओपी अच्छा वाला सीन कर दिया भाई मेरे लिहाज से तो बाकी आप लोग बताना और भाई इसकी ना क्राफ्टिंग टेबल अभी भी मुझे नहीं समझ आती है लिटरली और यहाँ से मैंने थोड़ा सा ना डायमंड बाय कर लिया था भाई लिटरली मैं मैंने डायमंड इसने बाई करे थे वहाँ जो तो मैं रेसिपी देख के आया था ना वो मैं यहाँ अप्लाई करना चाह रहा था लेकिन भाई लेफ्ट कर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई इसको अप्लाई है हमने कैसे करना है और क्या सीन है भाई मैं क्या ही बताऊँ देख लो ये रेसिपी भाई ये अलग ही टाइप की क्राफ्टिंग टेबल है मेरे दिमाग से वहाँ आ रही है सो भाई मुझे सच्ची में नहीं आती यूज़ करना क्या है क्या नहीं सच्ची में भाई मुझे नहीं पता मैंने यहाँ पे ट्राई किया अपनी तरीके से हर तरीके से मतलब मैंने ट्राई किया गेजर्स को यूज़ करते हैं तो अभी भाई देखो इतनी नॉलेज नहीं क्योंकि भाई मैंने पॉकेट एडिशन बहुत टाइम बाद खेल लूँ सो सो मतलब अब खेलते रहेंगे ऐसा ऐसा तो सीख जाएंगे और भाई लिटरली यकीन मानो मुझे मतलब ऐसे टाइप में ना खेलने में अलग ही मजा आता है क्योंकि मैं मैजिक गेम खेलता था मतलब मैं भाई पूरा पूरा दिन पागलों की तरह मैजिक गेम खेलता रहता था सो so, हाँ लेकिन फिर बीच में हम पॉकेट मतलब उसमें लग गए थे अपना ऑफ लाचर में सो भाई पॉकेट एडिशन अब भूल ही गए मतलब क्या है क्या नहीं सो हाँ और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो भाई आर्मर रेसिपी तो ये देख रहा हूँ गॉड आर्मर भाई फुल और इसकी वही रेसिपी है जो होती है और टेक्स्चर भी अच्छा लग रहा था और भाई ये हेलमेट का टेक्चर देख रहे हो भाई फुली ओ लग रहा है अब बनाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा हमें ये चाहिए ड्रैगन हेड और इसकी भी रेसिपी एड ही है तो आप देख सकते हो इजीली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माइनर आर्मर वार्मर सब कुछ ऐड है तो ओपी वाला सीन है सो मैं कह रहा था भाई ये देखो मैं दिखा देता हूँ ये अपना देखो दूसरे आर्मर में जाए हम ये माइनर आर्मर है इसके लिए आपको इंचाइंटेड काबल एस्टून चाहिए जो कि उसकी भी रेसिपी एडिट है तो वो भी आप देख सकते हो मतलब सब चीज़ों की रेसिपी ऑलरेडी एड हैं तो हाँ बस थोड़ी आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी सो तो उसके भाई ये थी भाई इसीलिए बिल्डर लिखना था मैं और ये बिल्डर वो मतलब ये ऑन हो जाता लेकिन मैंने भाई पूरा हॉबी ढूंढ लिया मुझे भाई बिल्डर नहीं मिला लिटरली सो तो खैर कोई ना हो जाता यार होता रहता है छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं तो हाँ अपना ये भी सीन डन हो गया था तो मैंने कहा जल्दी से ना ना जितना हो सकता कॉर्ड ब्लॉक बाय कर लेते भाई स्टैक में ही नहीं आ रहा था मुझे नहीं पता क्यों मैंने होल्ड करके भी देखा उसके बावजूद भी स्टैक में नहीं आया हाँ तो भाई इसके बाद हमने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था मतलब हमें अभी पूरा आइलैंड अपना साफ़ करना है उसके बाद आप देखेंगे कॉर्ड्स भी लॉक लगाएंगे या फिर स्टोन ब्रिक जो के मतलब जो ज़्यादा अच्छे लगे हम वो करेंगे मैंने भाई कॉर्ड्स के बिना कॉर्ड्स ब्रिक बना के देखे थे लाइक वो ना लग नहीं रहे थे मुझे नहीं पता क्या इशू हो रहा था मैं वो प्लेस कर रहा था वो खुद ही खुद न हटे जा रहे थे मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्यों हो रहा था अपने साथ लेकिन हाँ ये सीन हो रहा था तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ आप लोगों को पता हो तो आप बता दो सो हाँ और जल्दी से जाओ इसको भी ज्वाइन कर लो यार स्काई ब्लॉक में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इसमें बहुत सी नियो नियू चीज़ें भी ऐड होने वाली है लाइक कस्टम पिक्स वगैरह भी मैं भी बहुत जल्दी वो भी ऐड हो जाएंगी या फिर हो चुकी हो जब तक वीडियो अपलोड कर रहा भाई कुछ भी नहीं पता मतलब वर्क तो फुल फास्ट चल रहा है बहुत सी चीज़ें आनी है अभी भी सो हाँ जल्दी से जाओ इन्जॉय मारो लाइक मैजिक गेम आपने खेला होगा ना उससे भी ओ होने वाला ही है सो ओ वाला मज़ा आएगा बस जल्दी जल्दी से आगे ज्वाइन कर लो मतलब चीज़ें बनते जा रही हैं सो हाँ और भाई देखो इसका ऑनर भी अपना दोस्त है मुझे पता है कैसा बनता है तो टेंशन वाली बात नहीं है फालतू का कोई आपको बैन वैन भी नहीं देगा और कोई मतलब मॉड या हेल्पर काली वाली भी नहीं देगा सो इशू वाली बात नहीं है और कोई फालतू की काली वाली दे तो यार अपने भाई को बताना आपका भाई है यहाँ पर सो उसको बैन करवा देंगे दिक्कत वाली बात नहीं है यार मतलब बताना भाई को तो हाँ और भाई फाइनली मैंने अपना ऑलमोस्ट ना जो एरिया था ना उसको पूरा कॉर्ड्स ब्लॉक से डन कर लिया था मुझे कॉर्ड्स ब्लॉक ही अच्छे लग रहे थे तो साइटो में ना मैंने ऐसे करके ये लगा लिया था सीलेंटन क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मतलब पूरा एरिया डन नहीं किया था मैंने आधा मतलब डन कर लिया था आधा रहता था मतलब देख रहे हो मैं हाथ के हाथ इसकी आउटलाइन भी बनाता जा रहा था सो so भाई इतने में हमारे चांद भाई ने मैंने यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया क्योंकि भाई ये रेसिपी वाला एरिया फुल्ली डन हो चुका था सो so मैंने यहाँ पर चैट्स ऑफ कर दिए थे ताकि मैं आपको ना सही से दिखा सकूँ मतलब भाई ये देख रहा हो मैंने सोचा भाई सही से आपको ना एक बार दिखा दूँ कि हाँ भाई नया तरीके से ये ऐड हो चुका है और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो देख रहा हो ये हब वाली जगह मतलब ओ वाला सीन हो गया पूरा एन पी आप सीधा इधर आ सकते हो और ये वो और यहाँ से तो आपको पता ही है आइलैंड वाईलैंड क्रिएट करते तो अभी वापसी चलते हैं अपने आइलैंड पे और जो अपना आइलैंड का काम रहता है उसको हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि भाई बहुत देर हो गई हमने अभी तक किया नहीं है तो so, चलो जल्दी से इसको करते डन और भाई फाइनली मेरा पूरा डन हो गया था उसके बाद मैं पहले सोच रहा था वॉल मिल के लगेगी लेकिन ये अलग लग रही थी ना सो इससे भाई मुझे और ज़्यादा नहीं लाइक अच्छा लगने लगा हमने इसको एक तरह से प्रिजन की तरह भी बना सकते हैं लेकिन देखो मैंने जैसा बोला था आपको अपना स्पॉन वाली जगह जो हम उसको अलग ही रखेंगे मतलब इधर हम ना कोई बिल्ड करेंगे ना कुछ सो so, इसका एक अलग ही सेटअप होगा सो so, वो अच्छा लगेगा ना तो इस नहीं है तो भाई अपना वो तो पूरा डन हो गया था अब हमारा भाई ब्रिज बनाना तो और भाई यहाँ मैं गिर गया लिटरली खैर अब गिर गए तो गिर गए क्या ही कर सकते हैं तो मैंने यहाँ से कॉड्स कॉड्स बोलो सर इसी लेंटर ले लिए थे क्योंकि हमें अपना ब्रिज बनाने और भाई ब्रिज भी मैंने एक अलग ही यूनिक सा सोचा था मतलब आपको अच्छा लगे आई थिंक सो मुझे तो मतलब ठीक ठाक लग रहा था बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा वो सो so, जल्दी से तो उससे पहले ना उसकी एक तरह से आउटलाइन बना लेते हैं मतलब साइटों की जो है फिर उसके बीच का भी हमने काम करना है सो so, जल्दी जल्दी करते मुझे दो मिनट दो मैं पूरा डन करके मिलता हूँ आपसे सो so, भाई फाइनली हमारी आउटलाइन डन हो गई थी और भाई मैंने सोचा था इसके पूरे में ना वॉल लगा देंगे काबल स्टोन की कोबल नहीं स्टोन ब्रिक की ना देख लो मतलब ये अलग ही एक नेचुरल वाला लुक देगा जैसे ब्रिज होते हैं ना अच्छा लगेगा सो so, भाई मुझे तो ये अच्छा भी लगा बाकी आप लोग बताना आपको कैसा लगा तो ये मैं पूरा डन करके दिखाता हूँ तो भाई ये ऑलमोस्ट अपना पूरा डन हो गया था मतलब थोड़ा सा रह गया था सो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि ना आप लोग एक प्रॉपर देख सके कैसा लग रहा है कैसा नहीं सो लास्ट वाली बस ये लाइन रह गई है तो इसको भी मैं जल्दी से डन करता हूँ ताकि फिर आपको सही से इसका ना फाइनल लुक दिखा सकूँ कैसा लग रहा है कैसा नहीं सो दिखा देता हूँ फिर फाइनल लुक यार आपको क्या दिक्कत है सो भाई ये था इसका फाइनल लुक मतलब मुझे तो ठीक लग रहा है भाई इसमें एक दिक्कत ये थी हमारा जो लेफ़्ट साइड है ना उसकी थोड़ी सी ब्लॉक कम है सो मैं उन्हें ऑफलाइन में ना मतलब एक दोनों साइड को एक जैसा कर लूँगा दिक्कत वाली बात नहीं है सो दिक्कत नहीं आएगी यार टेंशन नहीं लेनी तो भाई ये भी ब्रिश्ता मतलब अच्छा लग रहा था ना नीचे से भी देख रहा हो और हम ना इसके नीचे में गिलास या फिर इसके ऊपर में गिलास लगा सकते हैं जिससे ये और ज़्यादा भी ऑसम लगेगा बाकी आप लोग मुझे बताना कि ऐसा करें क्या करें क्या नहीं करें बिल्ड विल्ड के नहीं है सो so, वही करेंगे मतलब जो भी बिल्ड बोलोगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाली सीरीज में भी मतलब बहुत कुछ करेंगे इस बार तो पिछली बार हमारा मतलब रह गया था बहुत कुछ लेकिन इस बार हम ओ पी से ओ पी वाले बिल्ड भी करेंगे तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा हाँ तो बाकी ये ज्वाइन कर लेना आप सर्वर को अपना शान भाई का सर्वर है तो यहाँ पर मैं एक्टिव भी आपको मिलूँगा और ये भाई आपको जो भी चाहिए ना सब कुछ अपना डिस्काउंट पे मिल जाएगा अभी मैंने टैक्चर पैक नहीं लगा हुए मैं रहा कोई ओपी वाले टेक्स्चर पैक सो so, इस वाली वीडियो में, में ना में क्या बोल लो मतलब इस वाली वीडियो में भी ना वन मिलियन कॉइन का गिव अवे करते हैं। साथ स्क्राइब्लुक का और मैंने वी रैंक का भी किया था एक बंदा भी इन किया था तो उसको वी रैंक भी मिल जाएगी एक आधे दिन में तो दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी आपने गिव अवे में ज्वाइन करना है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा और शान भाई का डिस्काउंट लास्ट ज्वाइन कर लेना और अपना जो पॉकेट एडिशन का आई मतलब इन गेम नेम है ना वो कमेंट में लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए और अपना डिस्काउंट पे जाके गिव अवे वाले सेक्शन में जाना सिंपल से रिएक्ट कर देना आप हो जाओगे भाई गिव अवे में इंटर सो एक दिन का मैं टाइम लगा दूंगा ताकि एक दिन में जो भी विनर हो सो उसको फिर मिल जाए और उसका प्राइज हम उसे दे देंगे और डिस्काउंट पे एक्टिव रहना भाई आजकल मैं मतलब ड्रॉप वगैरह भी कर रहा हूँ फेक पिक्सल कोई तो आप भी विन कर सको मैं मिलता हूँ आपसे कल अपना ख्याल रखना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और दोनों डिस्काउंट भी ज्वाइन कर लेना बाय बाय